नमस्कार, आईपीपी न्यूज स्नैपर्स में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल हाट में इन दिनों ग्रीष्मकालीन कॉटन मेले का आयोजन किया जा रहा है। ग्राहकों के सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम के साथ हथकरघा कलाकारों द्वारा निर्मित सैकड़ों प्रकार व आकार के वस्तुओं से सराबोर है ये मेला। शहर वासियों के लिए खरीदारी के मद्देनजर भोपाल स्वयं सहायता समूह द्वारा बनाए विभिन्न आकर्षक उत्पाद यहाँ उपलब्ध है, जिसमें कलाकारों के द्वारा बनाए मनमोहक कलाकृतियों के अलावा देवी देवताओं के सुंदर मूर्तियां भी रखी गई है। साथ ही हथकरघा के बुनकरों ने कालीनों में अपनी कला का भरपूर रंग उड़ेला है। यही नहीं, भोपाल हाट के प्रभारी दिनेश तिवारी ने बताया कि मेले में आने वाले ग्राहकों के भरपूर मनोरंजन के लिए ऑर्केस्ट्रा का भी इंतजाम किया गया है। आइए सुनते हैं भोपाल हाट में इस मेले के आयोजन के उद्देश्य के बारे में हाट प्रभारी दिनेश तिवारी ने क्या बताया। एक रिपोर्ट। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा भोपाल हाट का संचालन किया जा रहा है और इस भोपाल हाट में मध्य प्रदेश के विभिन्न जनपद पंचायत, जिला पंचायत और ग्राम पंचायतों के जो बीपीएल के गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले स्व सहायता समूह है उनके द्वारा निर्मित की हुई उत्पाद को यहाँ पर प्रदर्शन एवं विक्रय के लिए हम यहाँ प्रोवाइड करते हैं। इसके लिए जिला पंचायत के जो अधिकारी हैं, मुख्य कार्यपाल अधिकारी या परियोजना अधिकारी जिला पंचायत, ये उन स्व सहायता समूहों का चयन करते हैं और चयन करने के बाद हमें यहाँ पर उनका फोटो आइडेंटिफाई करके यहाँ भिजवाते हैं तो उनको हम यहाँ निःशुल्क स्टॉल प्रोवाइड करवाते हैं, रहने की व्यवस्था करवाते हैं ताकि उनके उत्पाद को यहाँ एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल सके और प्लेटफॉर्म के साथ साथ उनके आय में उनकी वृद्धि हो सके। ये ग्रामीण विकास विभाग का उद्देश्य और भोपाल हाट का उद्देश्य है। कार्यक्रम की श्रृंखला में हम प्रयास करते हैं कि जो अच्छे कलाकार हैं वो शासकीय अवकाश के दिनों में उनको ऑर्केस्ट्रा या गजल नाइट या कुछ ऐसे सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भोपाल हाट के खुले मंच में करवाया जाए ताकि भोपाल की ऑडियंस को उसमें अच्छा लगे और उसके साथ साथ वो ऑडियंस ज्यादा से ज्यादा आए। सेल वाले गरीब आदमियों की मूल भावना ये है, जिनकी जो बीपीएल के ऐसे स्व सहायता समूह है, इनकी आय में वृद्धि हो और लोगों को अच्छा एंटरटेनमेंट कर सके।